ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में बाल विकास परियोजना के तहत पोषण मेले का आयोजन किया गया। ये मेले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया, जिसमें जिले की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। मेले में महिलाओं को कुपोषण से बचाव के लिए अनोखे अंदाज में जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं और बच्चों को चेकअप भी कराया गया। सुपरवाइजर आनंदिया मिश्रा ने बताया कि जिले में चौथी बार पोषण मेले का आयोजन किया गया है। इससे पहले रुद्रपुर, बाजपुर और गदरपुर में मेले का आयोजन किया जा चुका है। माँ के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 7 मेले का आयोजन किया गया है पूरे जनपद में। ये चौथा मेला है जो कि हमने आयोजित किया है। इसके पहले गदरपुर, बाजपुर और रुद्रपुर शहर में आयोजन हुआ है मेलों का। पोषण मेले का उद्घाटन हमने जनपद में पोषण रैली और पोषण रथ के द्वारा किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पोषण मेले में हमने कोशिश की है कि पोषण माह के जितने 5 सूत्र हैं, जो कि है पौष्टिक आहार, पहला हजार सुनेशन, डायरिया से बचाव, अनीमिया से बचाव और स्वच्छता, इन सूत्रों पर हमने जोर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये मेले में हमने वही 5 सूत्रों पे विभिन्न स्टॉल लगाए हैं, जिसके द्वारा हम पौष्टिक आहार का हम प्रदर्शन कर रहे हैं व्यंजन के द्वारा। आपको बता दें कि इस मेले में महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए जागरूक किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।